आप बताइए तो सही। पता नहीं इरफान क्या होता जा रहा है अली को, छोटी छोटी बात पर चिढ़ने लग गए। उस शख्स को आपने सजा देने आली तो पाना है उसे, वो हसीयत जिस हसीयत से मैं आप और परिसा गुजर। अगर कभी से कोई गलती हो जाए या नुकसान हो जाए क्या तुम फिर भी मुझसे नाराज नहीं होगी? तुम रोना धोना तो नहीं करोगी ना? भाई मेरे मामले में आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। जी इंशाल्लाह कल भिजवा देंगे आपको आपकी कार। ऑल राइट ओके। कर दो नादिया मैसेज। तुम्हें खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। हॉस्पिटल कॉल करके पता करो, अगर कोई काम नहीं है तो सीधा घर ही चलते हैं। चलें ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हेलो अहमद, मैं भाई के साथ घर जा रही हूँ तो कोई भी खास पेशेंट हो तो प्लीज हैंडल कर लेना। ओके हाफिज। हेलो। हाँ अली, उसने मुझे अभी कॉल की थी। हेलो कह रहा था बस बहुत मध्यम आवाज में बोल रहा था। अच्छा चलो मैं तुमसे आकर बात करता हूँ। ओके फिर तुम घर ही चल रही हो ना, हॉस्पिटल तो नहीं जाना? नहीं भाई, वो कह रहे हैं कि आज मैं फ्री हूँ तो बस मैं आपके साथ जा रही हूँ। उसने मुझे बार बार मैसेजेस भी किए और जब मैंने उसके मैसेज का रिस्पांस नहीं दिया तो उसने मुझे कॉल कर दी। जब मैंने फोन उठाया तो बहुत धीमी आवाज में उसने मुझे हेलो बोला। मैंने फोन काट दिया। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, सिर्फ इसलिए कि वो कंफर्टेबल हो जाए। गुड, वेरी गुड। वो बोलेगा, जरूर बोलेगा। नहीं आली, वो नहीं बोलेगा। आली तुमने क्या प्लान किया है? कैसे पकड़ा जाएगा ये शख्स? इसकी हिम्मत तो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। मैंने अम्मी को सारे मैसेजेस भी दिखा दिए, अगर आप चाहें तो आप ही पढ़ सकते हैं।
इसका मतलब ये कि पुरीसा से शादी करने के बाद वो तुमसे मिलने वाला था। मैंने कहा था कि इस शख्स का कोई बहुत बड़ा प्लान, इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। सही कह रही आंटी, इस शख्स को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुम उसे फोन करो और फोन करके घर बुलाओ। क्या कह रहे हो आंटी? हाँ आंटी, मैं सही कह रहा हूँ, हमें ये सब करना पड़ेगा। तुम इसे कॉल करके घर बुलाओ और मुझे फोन करके बताना कि वो आ रहा है। रानी, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तुम फिक्र नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ होंगे। उसे वो तस्वीर जो उसने तुम्हें भेजी थी उसे दिखाकर ये बताना कि उसकी पोल खुल चुकी है। तो घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ट्रस्ट करती हो ना मुझे? खुद से भेजा तो ठीक है, कॉल करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना। एक दफा और सोच लो बेटा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना अम्मी? हेलो हेलो इरफान, क्या बात है नादिया, सब खैरियत तो है? तुमने कहा था ना कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हैं आप, लेकिन ये तो बताइए आप रो क्यों रही हैं, बात क्या है? तुम ये बताओ कि तुम अभी इस वक्त मेरे पास आ सकते हो? हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ, लेकिन बताइए तो सही हुआ क्या है? आंटी कहाँ? वो घर पर नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ कि तुम जल्दी आ जाओ। मैं तकरीबन आधे घंटे में आपके पास आता हूँ। ओके। मेरा तो दिल डूब रहा है, मेरी जान निकल रही है। अरे अम्मी, कराली नहीं है, सब कुछ प्लान किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। आप जाएं, बीजान की तरफ जाएं। उसको बता तो दो कि वो अभी आ रहा है। हाँ बता देती हूँ, आप जाएं ना अम्मी। बेटा अपना बहुत ख्याल रखो। खाली आ रहे हैं बस आधे घंटे में। क्या हो गया तुम्हारी, क्यों हवाइयां उड़ी हुई हैं? परीसा को रोकें, उसे वापस बुलाएं, वहां तो कयामत आने वाली है। खुदा खैर करे, ऐसा क्या हो गया? और नादिया कहाँ है? नादिया तो घर में है, आप परीसा को बुलाएं। परीसा, तुम यहाँ इस वक्त? आपको याद है आपने कहा था कि भाई जो भी कहें वो मैं आपको बताऊं? हाँ। उन्होंने कहा कि एक सेकंड। हेलो। हाँ परीसा, इमरजेंसी है, मैं और ताबिश पहुंच चुके हैं, बस तुम भी जल्दी पहुंचने की करो। ओके ओके, मैं भी पहुंचती हूँ। लाफिस नादी बाजी, मुझे जाना होगा, मैं वापस आके आपको बताऊंगी। हाँ तुम जाओ। लाफिस। हेलो। हेलो आली। हाँ आ गया वो? नहीं नहीं अभी तो नहीं। ओके तुम परेशान मत हो, मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी आ जाए आली, प्लीज। मैंने कहा आना, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। परेशान मत हो, भरोसा रखो मुझ पर।
जी भरोसा तो है आप पर। अब मुझे फोन मत करना, ओके बाय। ओके अल्लाह हाफिज़। तुमने मोबाइल रख लिया ना अपने बैग में? जी जी बीजा मैंने रख लिया है, और आप प्लीज भाई को बता दीजिएगा कि मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। लाफिस। बेटा दरवाजा बंद कर देना। हाँ तुम क्या कह रही थी आली के बारे में? पता नहीं आली के जहन में क्या है, वो क्या करने वाला है, वो तो निकल कर चला गया। चलो हम नादिया के पास चलते हैं। नहीं बीजान यही तो मुसीबत है, उसने तो मुझे भी यही भेज दिया। पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए हम लोग। तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान नहीं हो बीजान, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। वो आली की भी इज्जत है, और आली कभी अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। पता नहीं बीजान मुझे तसल्ली क्यों नहीं हो रही है। तुम तो इतनी मजबूत बाहिम्मत हो, कैसे कमजोर पड़ गई निकट। अल्लाह सब खैर करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह नादिया को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखेगा इंशाल्लाह। बस भी जाना आप दुआ करें सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, तुम फिक्र नहीं करो हम सब तुम्हारे साथ होंगे। क्या बात है, मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। सब खैरियत तो है? मैंने आपसे कहा था ना आप चाहें तो मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। चलिए बताइए क्या बात है। देखिए मैं आपसे वादा करता हूं आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे जरूर हल करूंगा। बताइए। तुम दो मिनट इधर रुको मैं आती हूं। ओके। मैं जानता हूं तुम आली से शादी नहीं करना चाहती, रिश्ता खत्म करने के लिए तुम मुझे बीच में डालोगी। ये क्या है भाई? खोलो तो सही, देखो। बहुत खूबसूरत तस्वीर है ये आपकी भाई। वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतनी टैलेंटेड हैं। वाह सुपर। ये तस्वीरें मैंने नहीं बनाई। अच्छा तो फिर किसने बनाई ये स्केचेस? तुमने बनाई है इरफान। मजाक कर रही हैं आप, बताइए ना किसने बनाई है? झूठ मत बोलो, सिर्फ यही स्केचेस नहीं और कितने स्केचेस भेज चुके हो तुम मुझे। मैं ये हरकत कैसे कर सकता हूं? सिर्फ ये हरकत? कितने स्टूपिड मैसेजेस और कितनी कॉल्स की हैं तुमने मुझे, ये हरकत। माफ कीजिएगा आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है, मैं आपसे। तुम करीब बताना मेरे। अच्छा तो ये दिखाने के लिए आपने मुझे यहां बुलाया था? हाँ। इल्जाम लगा रही है मुझ पर, कोई सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत चाहिए तुम्हें? जिस दिन आली तुम्हारी गाड़ी लेकर गए थे ना उस गाड़ी में वो फोन था जिससे तुम मुझे मैसेजेस करते थे। और उस दिन भी तुमने मुझे मैसेज किया था, और जब मैंने कॉल बैक की तो आली ने फोन उठाया। और चाहिए सबूत? ओ
परीसा से शादी करना नहीं चाहता। परीसा से शादी करना मेरी मजबूरी थी। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कौन? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। छोड़ो। तुम एक काम करो, तुम आलियान से कह दो कि तुम उसे शादी नहीं कर सकती। छोड़ो। वो बहुत कमीना आदमी। छोड़ो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं परीसा से शादी करेगा, दोनों भाई को बर्बाद कर दूंगा। चल। यार तेरी। ले जा इसे यहाँ से। अली से मत छोड़िएगा। हेलो डॉक्टर परीसा। तुम लोग कितने बदतमीज हो, मुझे इस तरह झूठ बोलकर घर से बुला लिया। आज तुम घर जल्दी चली गई और हम सब काम करते रहे। और यही तुम्हारी सजा है बच्चों। हो गई सजा, अब चलो अपने अपने घर। एक मिनट, पहले मिस परीसा हमारा प्लान सुन ले। अब क्या प्लान है? आज हमारा डिनर पर जाने का मूड है। मैं नहीं जा सकती डिनर पे, भाई को तो ये भी नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। यार भाई को कॉल करो, उनको कहो कि आज हम सब लोग डिनर पर जा रहे हैं। और एक बात और, उनको कह देना थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भाई मुझे अकेले जाने नहीं देंगे। कैंपिंग पर भी तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ जाएंगे डॉक्टर परीसा। ये भी सही बात है। अब टाइम जाया मत करो, फोन उठाओ, कॉल करो और परमिशन लो। ओके, तुम लोग बहुत जिद्दी हो, ऐसे नहीं मानोगे। अम्मी क्या हुआ बेटा? क्या हुआ नादिया? बेटा आली बताओ तू। आली बस हेलो। हेलो भाई। हाँ हाँ गुड़िया। भाई आप रो रहे हैं? नहीं मैं तो नहीं रो रहा, मैं तो हंस रहा हूँ। कहाँ हो तुम? भाई वो सब डिनर पे जा रहे हैं, तो मैं भी जा सकती हूँ उनके साथ? हाँ हाँ तुम डिनर कर लो, और हाँ सुनो खूब पेट भर के खाना। ओके ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मेरी जान, अभी तो एक मरहला खत्म हुआ, दूसरा मरहला तो अभी बाकी। मैं कैसे अपनी गुड़िया को बताऊंगा? मैं मर जाऊंगा बीजा। ऐसा कुछ नहीं होगा आली, तुम खुद को संभालो बेटा, परीसा को हम सब मिलके समझा लेंगे। विजन मेरी गुड़िया ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी, कैसे वो ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी? देख रही हूँ, समझ रही हूँ कि आजकल माहौल और सबके मूड अजीब से हो रहे हैं। कोई बात जरूर है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। किसने किया तेरा यार? जल्दी बताओ मुझे किसने किया?
आली, आली का क्या था सब कुछ? देख लूंगी कि तुम लोगों को अल्लाह खायर करे, और ऐसा इल्जाम लगाऊंगी तुम्हारी उस परी से। बस खबरदार, जो एक लफ्ज भी निकाला मेरी बहन के लिए अपने मुंह से। जैसे